जय हिंद दोस्तों, मेरे क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग आज बात करेंगे बीएड की सिलेबस के बारे में, मतलब बीएड का पाठ्यक्रम। जैसे आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, जो मैंने स्लाइड में यहाँ पे लिखा है आज का सिलेबस के बारे में, आज का जो हमारा टॉपिक होगी वो ये है बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड का पाठ्यक्रम, सिलेबस ऑफ बीएड, ऑल इंडिया बीएड सिलेबस। पूरे भारत में बीएड का सिलेबस कैसे रन कर रही है, चल रही है, जो एनसीटी की नॉर्म्स है। एनसीटी का मतलब आप लोग सब जानते ही हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अच्छा, इसमें दो चार बातें समझने वाली क्या है कि आप लोग बहुत सारे ऐसे भी फ्रेंड्स स्टूडेंट्स होंगे जो जिनकी एम्बिशन या जिनके लक्ष्य होगा या फ्यूचर में सोचा होगा कि भाई मेरे को आने वाले टाइम में जा करके हमको टीचर बनना है, या उनकी पैशन होगी कि यस आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, मतलब गुड टीचर। तो उसके लिए एक अच्छा वेल ट्रेंड टीचर और एक अच्छा वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेंड और नॉलेज से भरा हुआ अच्छे टीचर बनने के लिए आपको इसकी पूरी करिकुलम, इसकी पूरी जो जो बनाया गया है इसका वही पाठ्यक्रम, एंड इसके बारे में जितने ब्रॉड नॉलेज आपको मिल जाए वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ और बताते जाता हूँ एक एक करके। अगर आपने कहीं से, पहला नंबर बात नोट करते जाइए, एक एक चीज। पहला नंबर बात क्या है, सबसे पहला आपने अगर 12th करा है, किसी भी कॉलेज से हो, किसी भी प्लस टू स्कूल से हो, चाहे कोई भी सिलेबस हो, है ना, आईसीएसई, सीबीएसई, आईबी, आईजीसीएसई, जो भी सिलेबस है आपकी, या स्टेट बोर्ड हमारे जितने हैं, ओपन बोर्ड हो, जो जैसा है, आपने अगर 12th कर लिया है और आपकी कंसर्निंग जो भी स्ट्रीम रहा हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, उससे आप चाहते हैं कि मैं आगे का टीचर्स ट्रेनिंग में अपने आप को वेल ट्रेंड करूं, तो उसके लिए आपको निम्न बातें को ध्यान रखना अति आवश्यक है। पहला नंबर बात जो आपको ध्यान रखना है वो है, सबसे पहले आप टीचिंग में आफ्टर 12th ही जा सकते हैं। किस कौन सी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, नंबर वन जो मैंने बात बोला है वो है पीटीटी, है ना। पीटीटी का मतलब होता है प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग। अब प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग का मतलब हो गया जो नीचे क्लास के गर्ल्स को खास करके ज्यादा इंटरेस्ट, लड़कियां जब बहुत इंटरेस्ट लेती है कि हाँ मैं एक वेल ट्रेन टीचर बनूं, तो या टीचर्स ट्रेनिंग करूं, या नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, एनटीटी जिसको बोलते हैं, है ना, ये भी एक होती है एनटीटी, पीटीटी हो या एनटीटी हो, तो ये दोनों में। अब ये क्या है, इन जस्ट आफ्टर इंटर आप एक इसका एक छोटा सा डिप्लोमा होल्डर हो सकते हैं, और उसके बाद आपको किसी भी जो प्ले स्कूल होगा या किड्स प्लेइंग, जो इस बच्चे के उसमें प्लेइंग कैसे करते हैं, खेल, आर्ट, क्राफ्ट, बहुत सारे मेथड्स के द्वारा आपको टीचर, मतलब ट्रेंड करके आपको टीचर बनाए जाते हैं, और उसमें करिकुलम डेवलप किया, जैसे पैडागोजी के बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और बहुत सारी उसमें टॉपिक्स होती है जिसको आपको ट्रेनिंग दी जाती है, और आपको, आप इस उसको स्टडी करते हैं, तो आप वहाँ पे टीचर, नर्सरी टीचर्स बनते हैं या प्राइमरी टीचर्स बनते हैं। प्राइमरी मतलब निम्न माध्यमिक। तो अब इसमें ये तो पीटीटी हो गया, इसके बाद एक चीज और है, आप डीएड कर सकते हैं। डीएड का मतलब हो गया डिप्लोमा इन एजुकेशन। इसके बाद आप इसमें और आगे, इसी का दूसरा नाम कहते हैं, डीएड का दूसरा नाम हो गया डी, है ना, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, ELED, है डिप्लोमा इन DLED, ऐसे लोग बोलते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, JBT इसका खास करके आपका हरियाणा वगैरह में दूसरा भी, यूपी और हरियाणा वगैरह में दूसरा भी नाम है JBT। तो इस तरीके से आप दो तीन इसमें ये सब कर सकते हैं, लेकिन ये सारा चीज करने से बेहतर है गवर्नमेंट और NCT। मतलब पहले आप सभी को पता होगा कि अगर आप न्यूज देखते होंगे, और आपको देखना चाहिए करंट अफेयर्स एंड जो न्यूज है, न्यूज मतलब वो जो हमारे काम का हो, न्यूज का मतलब ऐसा नहीं कि पूरी पॉलिटिकल्स और पूरी सारी, हम मतलब जो हमारे यूज के लिए नहीं, न्यूज जो हमें यूजफुल न्यूज नहीं है वो हमें कतई नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आजकल न्यूज एक दूसरा ही प्लेटफॉर्म हो गया, और जैसे व्हाट्सएप हो गया, सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी खुल गया है, ठीक है, तो वो सब चीज की बात नहीं करते हैं, टू द पॉइंट की बात। बात ये कि 12th का जो PTT, DLED और ये JBT, आपने अगर, आप पहले था ये सब चीज का वैल्यू, लेकिन अब क्या हो गया, नॉर्म्स चेंज हो गया है, जो 20वीं एजुकेशन पॉलिसी आप सभी ने देखा होगा, सुना होगा और पढ़ा भी होगा, बहुत सारे ने जो इंटरेस्ट लेते हैं एजुकेशन फील्ड में, या स्टूडेंट्स को नहीं है तो मैं बता देता हूँ आपको। दूसरा बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट
द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि आपको अब डीएड की नो कोई जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ डीएड। क्यों नहीं नीड है? वो इसलिए क्योंकि अगर आपने बीएड कर लिया, आप एक ही बार में करें, क्यों अब मैं बताता हूं, एक ही बार में अगर आपने बीएड कर लिया तो आप डीएड के जितने लेवल के जो वैकेंसी है गवर्नमेंट की उस सब में भर सकते हैं, क्योंकि आप एक प्राइमरी टीचर्स में भी जा सकते हैं, एक जो सेकेंडरी में भी जा सकते हैं और हायर सेकेंडरी में भी जा सकते हैं, यदि आप पीजीटी मतलब मास्टर डिग्री किए हैं कंसर्निंग सब्जेक्ट में तब, ठीक है। तो आपको जब एक डिग्री लेकर के और आप एक स्ट्रीम को पढ़ाई करके एक डिग्री के पढ़ने के बाद आपको सारी चीज मिल जा रही है, तो आप फिर डीएड भी करेंगे और डीएड के बाद फिर आपको बीएड, अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करना है तो आपको बीएड करना पड़ेगा। तो आप पहले डीएड करें या तो पहले डीएलईडी या जेबीटी एनटीटी जो भी है वो करें, फिर आप अगर एनटीटी किए हैं तो आपको ग्रेजुएशन करना अनिवार्य है। जब तक आप ग्रेजुएशन नहीं करते तब तक आप बीएड नहीं करते। अब उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है बीएड की वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप ये चीज समझ लीजिए, नो नीड ऑफ डीएड की जरूरत नहीं है, ये 20 जो एजुकेशन पॉलिसी हमारे पीएम ने निकाले हैं उसमें है। तो इसमें क्या है आपको कि आप सारे वैकेंसी का, एक अगर बीएड होल्डर है और बीएड डिग्री होल्डर है तो आप देश के किसी भी जो टीचिंग है हायर सेकेंडरी तक में भर सकते हैं। हायर सेकेंडरी के लिए सिर्फ एक चीज प्लस कर लीजिए आप कि उसमें आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए, कितना 50%, 50 से अबव अगर प्लस जो भी है दैट इज फार बेटर। तो चलिए बीएड की बात अगर आप हम लोग अगर कर रहे हैं तो बीएड की बात में आपको ये हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग का क्या है इसमें बीएड में दूसरी बात हम लोग का ध्यान देने वाली कि आप इसकी कैरिकुलम में हम लोग घुसते हैं कि क्या क्या हमें चाहिए। तो बीएड के बाद अगर आप 12th के बाद आपका कंसर्निंग सब्जेक्ट्स है वो कंसर्निंग सब्जेक्ट से आप जा सकते हैं बीएड में क्या क्या सब्जेक्ट्स में जा सकते हैं, आप सारे से कर सकते हैं। आप चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से आए हो, आर्ट्स स्ट्रीम से आए हो, साइंस से आए हो, टेक्नोलॉजी से आए हो, मेडिकल फील्ड से आए हो, पैरामेडिकल फील्ड से आए हो, किसी भी फील्ड से आए हो साइंस वाले, तो उनको भी इसमें एंट्री है, क्योंकि आपको पता ही है कि एजुकेशन पॉलिसी जो 20 आई है इसमें आप इस अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, जो साइंस है वो कॉमर्स में जा सकते हैं, आर्ट्स में जा सकते हैं, इवन आर्ट्स वाले कॉमर्स और साइंस में भी जा सकते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज अब बीएड में क्या है, कम से कम मिनिमम 50% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ठीक है। बैचलर में आपकी 50% होनी चाहिए, अगर आपकी 50% नहीं है तो आपके एडमिशन में प्रॉब्लम। इसके बाद उसमें इंट्रांस एग्जाम होती है, एक छोटा सा इंट्रांस एग्जाम होती है, अगर आप उस इंट्रांस एग्जाम को क्रैक करते हैं तब आपको एडमिशन इजिली मिल जाएगा। अब आप सोचते होंगे कि हम इंट्रांस एग्जाम तो क्रैक करेंगे लेकिन कैसे हमारी एडमिशन होगी, अप्लाई कैसे करेंगे, कहाँ पे जाएंगे, कि कौन कौन सी वेबसाइट है और हम फलाने स्टेट का है, क्योंकि मेरा एक चैनल है जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं कि मैं इस स्टेट से हूँ, मान लीजिए मैं कर्नाटका से हूँ और मैं चाहता हूँ कि केरला में अप्लाई करने के लिए, मैं कर्नाटका से हूँ और मैं चाहता हूँ यूपी में अप्लाई करने के लिए, तो कैसे हम करेंगे। तो आपको मैंने उसमें आंसर सबको रिप्लाई किया भी किया था, अभी मैं बता भी रहा हूँ कि आप किसी भी स्टेट से आपने वो डिग्री होल्ड लिए हैं या डिग्री होल्डर हैं आप, और आप उस जो गवर्नमेंट की वो सेक्टर है, जैसे टीचर के लिए आप एनसीटी है, जैसे आप अगर इंजीनियरिंग बीटेक कर रहे हैं तो एआईसीटी से है, जैसे एमबीबीएस कर रहे हैं तो एमसीआई से अप्रूव होना चाहिए, तो मतलब उसकी जो अप्रूवल गवर्निंग बॉडी है उस गवर्निंग बॉडी से अप्रूवल है तो फिर आपका जो डिग्री है वो वैलिड है, चाहे वो गवर्नमेंट की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। वही बात मैंने लिखा है कि ऑल इंडिया बीएड सिलेबस में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हो, चाहे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी से हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप लोग सभी को पता है कि हजारों प्राइवेट यूनिवर्सिटी हमारे देश में है, चाहे कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। एक मैं और लिख देता हूं, कौन सी, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, है ना। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कौन कौन होते हैं, सबसे पहला नंबर जो आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, आपको पहले इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा लेते हैं, है ना, जगह कम है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सबसे पहला नंबर जो आता है, बहुत सारे हैं यूनिवर्सिटी आप इंडिया में हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी देश के,
तो सबसे पहला नंबर जो हम आप बात करेंगे आपको वो करेंगे इग्नू की। इग्नू क्या है? डीडीएल का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। डीडीएल का सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस लर्निंग है ना। आप लोगों को पता ही होगा कि ओपन से आप अगर बीएड करना चाहते हैं, कौन है ओपन से करने वाले बीएड? ओपन से बीएड करने वाले हैं जितने आप अगर फौज में हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में कहीं भी काम कर रहे हैं, सॉरी। तो आप चाहे स्टेट गवर्नमेंट में है या सेंट्रल गवर्नमेंट में है, चाहे डिफेंस में है, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स में है, या किसी भी फील्ड में है आप, अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है और आना चाहते हैं और करना चाहते हैं तो आप डीडीएल सेंट्रल यूनिवर्सिटी इग्नू से कर सकते हैं। अब इग्नू की किस तरीके से पाठ्यक्रम और कैसा बनाया गया है वो सारी चीजें मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो है, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट टू में मैं और सारे कुछ टू बी कंटिन्यू करूंगा। तो इसी वीडियो में इतना ही। आप लोग जो भी देख रहे हैं हमारे चैनल को और ये वीडियो को, तो उस चैनल को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप उसके जो बेल घंटी है उसको बजाते रहिए ताकि जितना भी इससे रिलेटेड और सिलेबस की जो कंटिन्यूटी रहेगी वो दूसरे सिलेबस में आप लोगों को पहुंच जाएगी, मतलब दूसरे वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। एंड अभी तो स्टार्टिंग किए हैं इसमें, और हम लोग सारी सिलेबस के साथ साथ फिर सब्जेक्ट को मैं लेक्चर दूंगा, फिर सब सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट स्टडी करते जाएंगे। असाइनमेंट, टीचिंग प्रैक्टिस, लेसन प्लान सब के बारे में मैं पूरी, चाहे वो पैडागोजी हो, चाहे आईसीटी हो, चाहे जो उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है ना, आर्ट क्राफ्ट हो, सारी सब्जेक्ट जो ऑप्शनल है उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे आप बीएड कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम फुल डिटेल में एक्सप्लेन और इंटरप्रिटेशन देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विथ मी। वी विल विजिट इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू।